आइए आज की कक्षा में हम अपनी हिंदी पुस्तक युवक भारती का एक काव्य संभाग का पाठ मध्ययुगीन काव्य का जो कि हमारी पुस्तक का पांचवा पाठ है का आ भाग बाल लीला जिसके रचयिता संत सूरदास जी हैं वह पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ पढ़ने से पहले कवि परिचय कर लेते हैं। संत सूरदास जी का जन्म 1478 में चौदह सौ अठहत्तर को दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। आरंभ में आप आगरा और यमुना के बीच यमुना के किनारे गऊ घाट पर रहे। वहीं आपकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हुई। अष्ट छाप कवियों की सगुण धारा भक्ति काव्य धारा के आप एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति में साक्ष्य वात्सल्य और माधुर्य भाव निहित है। यहाँ पे अष्ट छाप कवियों की बात की गई है तो यह महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था। अष्ट का नाम ही 8 होता है जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गान गुणगान किया था। यह आठों ब्रज भूमि के निवासी थे। उनके गीतों के संग्रह को अष्ट छाप कहा जाता है। इन्होंने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण विषयक भक्ति रसपूर्ण कविताएं रची। इसके बाद सभी कृष्ण भक्त कवि ब्रज भाषा में ही कविताएं रचने लगे। इन्होंने अपनी भक्ति में कृष्ण को कभी दोस्त के रूप में, कभी माँ बन के बालक के रूप में और कभी मधुर भाव से माधुर्य भाव से रचना की है। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण आपके पदों की विशेषता है। संत सूरदास की मृत्यु 1580 1580 में हुई। बाल लीलाओं तथा वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण
आपके पदों की विशेषता है, यह बात हम समझ चुके हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा नल दमयंती, ब्याहलो, यह भी इनकी कृतियां हैं। आज जो हम काव्य पढ़ने जा रहे हैं वह किस प्रकार का है यह देख लेते हैं। पद काव्य एक गेय शैली है। गेय शैली का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। गेय शैली का मतलब होता है गाने योग्य, जिसे हम गा सकें, ऐसी शैली। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं। एक संतों के शब्द की और दूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की पद शैली है, जिसका आधार लोक गीतों की शैली है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है प्रदर्शित करना किसी चीज को, तो भक्ति की भावना को प्रदर्शित करने के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत पदों में कवि काव्य परिचय प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण के बालहट एवं यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। प्रथम पद में अपने लाल की हर इच्छा को पूरी करने को आतुर यशोदा मैया चांद पाने के कृष्ण के हट को, चांद की छवि दिखाकर बहला लेती हैं। चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देख माँ यशोदा बलिहारी हो जाती है। द्वितीय पद में माँ यशोदा कृष्ण को कलेवा करने के लिए दुलार रही है। कलेवा का मतलब होता है जलपान, नाश्ता, या अंग्रेजी में कहें तो ब्रेकफास्ट। उनकी पसंद के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों को सामने रख वह मनुहार कर रही हैं। मनुहार का अर्थ होता है बच्चे को मना कर खाना।
खिलाने के लिए माँ को मनोहार करना पड़ता है। आइए अब कविता का पाठ कर लेते हैं। बार बार जसुमती सुत बोधिती, आओ चंद तो ही लाल बुलावे, मधु मेवा पकवान मिठाई, आपुन खेहें तो ही खवावे। बार बार जसुमति सुत बोधती, आओ चंद तुही लाल बुलावे, मधु मेवा पकवान मिठाई, आपुन खेहें तो ही खिल खवावे। हाथ ही पर तू ही ली नहीं खेलें, नेकू नहीं धरनी बैठावे, जल बासन कर ले जो उठावते, याही में तू तन धरियावे, जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे। सूरदास प्रभु हंसी मुस्क्याने, बार बार दो कर नावे, जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे। सूरदास प्रभु हंसी मुस्क्याने, बार बार दो कर नावे। दूसरा पद देखते हैं। उठिए श्याम कलेऊ कीजे, मन मोहन मुख निरखत जी जय, खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम ऊख रस सीरा, उठिए श्याम कलेऊ कीजे, मन मोहन निरखत जी जय, खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम ऊख रस सीरा, श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, सफरी चूरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाहू बलिहारी, श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, सफरी चूरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाहू
बलिहारी। रची फिराक लट्टू धदियानू, तुमको भावत पूरी संधानू, तब तमोल रची तुमही खवावो, सूरदास पनवारों पावो। रचि पिराक लट्टू दधिआनू, तुमको भावत पूरी सधानू, तब तमोल रचि तुमही खवावो, सूरदास पनवारों पावो। यह पद क्योंकि ब्रज भाषा में है, इसलिए कुछ शब्द हमें अधिक कठिन लगते हैं। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं पुस्तक के पीछे के। बोधति समझाती है, खे है खाएगा, तो ही तुम्हें बासन पात्र या बर्तन गही पकड़ नावें डालते हैं, कलेऊ जलपान या कलेवा, संधानों अचार, जी जय जी रही हूँ, खारिक छुवारा, दाख किशमिश, सफरी अमरूद, खुबानी जरदालू, सुहारी पूड़ी, पिराक गुजिया जैसा एक पकवान रहता है, पनवारों पान खिलाई। आइए अब पदों को पढ़ते हैं और उनका अर्थ समझते हैं और भावार्थ देखते हैं। बार बार जसुमति सुत बोधती, आओ चंद तो ही लाल बुलावे, मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खे हैं तो ही खवावे। पहले शब्दार्थ देखते हैं फिर इसका अर्थ समझते हैं। बोधती समझाती हैं, सुत बेटा आओ आओ, चंद
चांद तो ही तुम्हें लाल बेटा आपुन स्वयं के है खाएगा तो ही तुम्हें खवावे खिलाना जसुमती कृष्ण की माँ यशोदा के लिए प्रयोग हुआ है, उन्हें जसुमती भी कहा जाता था। प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण के बाल हट एवं उनकी माँ यशोदा के ममता भरे स्वरूप को प्रस्तुत किया है। प्रथम पद में अपने लाल की हर इच्छा पूरी करने को आतुर यशोदा चांद पाने के कृष्ण हट को चांद की छवि दिखाकर बहला लेती है। वह कहती है कि चंदा तुम आओ, मेरा लाल तुम्हें बुला रहा है। क्योंकि एक बार कृष्ण अपनी माँ से चांद से खेलने के लिए चांद को मांगकर रोने लगते हैं, अपने लाल को चुप कराते हुए माता यशोदा चंद्रमा से कहती है, हे चंदा तुम आओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है। यह मधु मेवा पकवान मिठाइयाँ स्वयं खाएगा और साथ ही साथ तुम्हें भी खिलाएगा। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। हाथ ही पर तो ही लीन खेले नेक नहीं धरनी बैठावे जल बासन कर ले जू उठावती याही में तू तन धरियावे। के कठिन शब्द देखते हैं। कहीं पर तो ही लीन खेले नेक नहीं धरनी बैठावे जल बासन कर ले जू उठावती याही में तू तन धरी आवे। इसके शब्द अर्थ देखते हैं। हाथ ही हाथ पर लीन लेकर खेले खेलेगा
नेको बिल्कुल, धरनी धरती, बैठावे बिठाए, बासन पात्र, जो जो उठावते उठाती, याही इसी में तन शरीर धरी धारण आवे आए। इन पंक्तियों में यशोमती मैया, यशोदा मैया कहती हैं कि हे चांद, मेरा लाल तुम्हें अपने हाथ में रखकर खेलेगा, तुम्हें जरा सा भी भूमि पर नहीं बिठाएगा, तुम्हें एक क्षण के लिए भी धरती पर नहीं रखेगा। इसके बाद यशोदा माता अपने हाथ में पानी से भरा बर्तन उठाकर कहती है, पानी से भरा बर्तन लेकर कहती है, हे चंद्रमा, तुम शरीर धारण करके धरती इस बर्तन में आ जाओ। यह कहते हुए वह पानी से भरे हुए पात्र को भूमि पर रख देती हैं। आज की कक्षा का समय यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में इसी पाठ को पढ़ेंगे, आगे समझेंगे।